नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ हैं हमारे टीम के दो दिग्गज, लेकिन आज कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है इस नॉलेज चैलेंज में या नॉलेज फाइट में, जहां पर यूपीएससी जनरल स्टडी से बाहर निकलकर हम कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो अनिरुद्ध सर हैं और हैं महिपाल सर, और देखेंगे कि किसकी जानकारी किताबों के बाहर भी है। थोड़ा फन होगा ये, और घबराना नहीं है, इतना भी फन वैसा नहीं होगा कि आप लोग को लगे कि हम तो किताबें पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। थोड़ा पॉप कल्चर, थोड़ा जनरल अवेयरनेस बियॉन्ड द बुक्स होगा ये। तो आर यू गाइज रेडी? ऑलवेज। ओके, तो रूल्स बता देती हूँ इसके। अगेन विल हैव वन क्वेश्चन ईच, ऐसे करके हम पूछेंगे, एक बार आपसे एक बार आपसे पूछूंगी सर। 10 पॉइंट मिलेंगे हर सही आंसर के, डिपेंडिंग ऑन द डिटेल्स मेरा डिस्क्रिप्शन होगा मैं कितने मार्क्स आपको दूंगी यहाँ पर। तो आप अपना ज्ञान दे सकते हैं उन टॉपिक्स पर जो मैं पूछने वाली हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि यूपीएससी नहीं है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन शिफ्ट किया जा सकता है, पास ऑन किया जा सकता है, और पॉइंट्स मिलेंगे जो सही आंसर देगा। मतलब अगर मुझे नहीं आया तो उनको पूछा जाएगा वो सवाल, और सर अगर सही आंसर देंगे तो वो पॉइंट्स सबको मिलेगा। गॉट इट। तो आर यू गाइस ऑल सेट? यस यस रेडी। तो पहला क्वेश्चन आपसे है सर, अब आईपीएल का सीजन चल रहा है, हमारा फाइनल होने ही वाला है शायद कुछ दिनों में, या हो चुका होगा या होने वाला होगा दोस्तों। तो काफी आसान क्वेश्चन है वैसे, मैक्सिमम आईपीएल किसने जीते हैं, कौन सी टीम ने जीते हैं आईपीएल? देखते हैं यस, मैं देखा करता था और अभी थोड़ा टाइम कम लगता है, बट स्टिल लाइक फॉर 2-3 साल पहले तक तो ऑलमोस्ट काफी सीजन देखे थे। तो आपको पता होगा आंसर? हाँ, 2-3 साल पहले तक तो आई थिंक मुंबई इंडियंस ही सबसे आगे थी, मुंबई और चेन्नई का थोड़ा था, मतलब 3-4 बार आई थिंक मुंबई ने जीता है ऐसा कुछ है। मुंबई ने शायद चार या पांच बार जीता है। मुंबई का बड़ा सिंपल था, आई रिमेम्बर, मतलब उनका ना बड़ा सिंपल था, 2013, 2015, 2017 लेकिन एक बार उन्होंने बैक टू बैक भी जीता, तो आई थिंक फिर वो 5 times हुआ होगा, मतलब 4+1 आई एम गेसिंग दिस, 4 तो मुझे श्योर है, 4 तो मुझे श्योर है, 4+1 क्योंकि वो एक उन्होंने बैक टू बैक भी जीता था, तो 5 times है। CSK शायद उससे एक ही कम है, हो सकता है इस बार वो बराबरी भी आ जाए। तो सर बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। सर आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट में? मैं आईपीएल पहले देखता था, अब समय नहीं मिलता देखने का बिल्कुल, और इंटरेस्ट खत्म हो गया है आईपीएल में, इतना मजा आता नहीं है। फुटबॉल का इंटरेस्ट है सर? फुटबॉल में भी नहीं है मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक समय पे बहुत स्पोर्ट्स देखता था मैं कॉलेज के टाइम पे, लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन के कारण ही सब देखना छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा लगा कि तो हमें तो बस याद करना है ना कि विंबलडन कौन जीता, क्रिकेट में टेस्ट सीरीज कौन जीता, इतना ही तो देखना है, तो क्यों बिना बात के समय खराब करें, सीधा अखबार में पढ़ लो। हाँ, देखना भी है। वो अलग बात है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है फैक्चुअल ना, कि वर्ल्ड कप किसने जीता, टेस्ट वर्ल्ड कप किसने जीता, तो वो तो हम वैसे ही पढ़ लेते हैं, देखने की जरूरत नहीं। आपने उनसे पूछा तो मुझे 4 बार का पता था, 5वीं बार मुझे नहीं पता कि कब जीता मुंबई इंडियंस, 4 का मुझे भी 13, 15, 17, 19 ये मुझे भी आते हैं। So, अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है और फुटबॉल से है सर। और थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन भी लग सकता है कुछ कुछ आपको ये। सो इकलौती बार हमारी जो भारतीय फुटबॉल टीम है वो फीफा वर्ल्ड कप खेलने गई है, क्या आपको पता है कब गई? एक्चुअली सवाल आपका जो है वो पार्शियली करेक्ट है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए हम क्वालिफाई कर गए थे पर खेलने नहीं गए थे, सॉरी। तो नहीं वो सर आपने करेक्ट कर दिया, मतलब आपको पता है इसके बारे में। ये था आजादी के तुरंत बाद, 48 वाला वर्ल्ड कप था, और इस वर्ल्ड कप के समय हम क्वालिफाई कर गए थे, और एक बहुत बड़ा मिथ है कि भारत की टीम के पास पहनने के लिए जूते नहीं थे इसलिए हम नहीं गए, वो बिल्कुल पूरी तरह से झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस वर्ल्ड कप में कई टीमें नहीं गई थी क्योंकि साउथ अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा था, ट्रैवलिंग वॉज अ बिग इशू, उस समय जेट ट्रैवल नहीं होता था, आप लोगों को पता होना चाहिए, देयर वाज नो कनेक्टिंग फ्लाइट्स और एनीथिंग, जहाज पर बैठ के टीम्स जाया करती थी खेलने के लिए,
तो इसीलिए यहाँ से ट्रैवल करना वो सब बिग डील, आपको 2 महीने 1.5 महीना लगा के जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम नहीं गए थे बिकॉज ट्रैवल का एक्सपेंसेस वगैरह नहीं था, एग्जैक्टली, एंड द वर्ल्ड कप वॉज नॉट दैट बिग अ डील जितना आज है. तो उस समय ऐसा था कि ठीक है वर्ल्ड कप है, नया नया शुरू हुआ था, टूर्नामेंट 10-12 साल पुराना था, तो इसीलिए 48 वाला वर्ल्ड कप था, ब्राज़ील आई थिंक ब्राज़ील में ही था, हाँ ब्राज़ील में ही था, और हम नहीं गए थे, और ये मिथ बना दिया लोगों ने कि जूते नहीं थे पहनने उस समय. वैसे भी मतलब आई थिंक देयर वर मोर प्रेसिंग नीड्स फॉर द कंट्री, यस, तो आई थिंक प्लेयर्स का सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंस निकालना रीजन वही था कि ट्रैवल एक्सपेंस सरकार देने को तैयार नहीं थी और प्राइवेटली दे कुड नॉट फंड इट. सर वो तो 83 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा ही है किस तरह से, मतलब मैंने तो मूवी देख के देखा, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली, बट अगेन चैलेंजेस थे उस समय, आज इतनी फैसिलिटीज जो कुछ है, मतलब ऑब्वियसली उस समय हमारी रिक्वायरमेंट्स कंट्री की जो रिक्वायरमेंट्स थे वो डिफरेंट, बॉलीवुड थोड़ा चीजों को ड्रामेटाइज भी करता है. एक अक्षय कुमार की हुई मूवी आई थी उसमें भी 48 लंदन ओलंपिक्स का बताया गया था, उसमें हमारी हॉकी टीम पहुंची थी गोल्ड, वो मैंने फिल्म नहीं देखी, ट्रेलर देखा है सिर्फ, लेकिन वो स्टोरी मुझे बताया, तो उस समय भी बड़ी मुश्किल से हमारी हॉकी टीम पहुंची थी लंदन, जबकि लंदन जाना वाज वेरी मच कन्वीनिएंट, हमारे यहां से ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जहाज वगैरह जाते थे, ट्रिप रूट था पूरा पुराना एस्टैब्लिश्ड, वो पुराना एस्टैब्लिश्ड था. तो 10 नंबर 100% 10 नंबर 10-10 हो चुके हैं, बराबरी पर चल रहा हूं टॉप लेवल के क्वेश्चंस के बाद. दोस्तों क्या आपको वीडियो में मजा आ रहा है, बस आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा. यदि आप अपनी यूपीएससी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो पाथफाइंडर का जो आखिरी बैच है वो आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो कि 1 सितंबर से शुरू होने वाला है. इसके बाद कोई भी नया बैच शुरू नहीं होगा और इसमें जो आखिरी एनरोलमेंट है वो केवल 31 अगस्त तक ही ली जाएंगी. इस बैच के बारे में आपको ब्रीफली बता दूं, इसमें आपको जीएस की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की संपूर्ण तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाई जाएगी, जिसके माध्यम से आपकी यूपीएससी की संपूर्ण जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो पाएगी. साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी और आप चाहते हैं तो इसमें ऑप्शनल भी आप साथ में कंबाइन करके इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं. इतना ही नहीं बल्कि अब एक नया पाथफाइंडर पास भी हम लोग लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से जो पाथफाइंडर की जितनी भी ऑफरिंग्स हैं उन सभी ऑफरिंग्स में आप जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं बाय ओनली बाइंग द सिंगल पाथफाइंडर पास, जिसमें कि आपको 2 साल तक उस पास की वैलिडिटी देखने को मिलेगी और उसमें आपको जीएस का बैच, ऑप्शनल का बैच और भले जो भी नई नई इनिशिएटिव्स हैं जैसे एथिक्स का डेडिकेटेड बैच हो गया, माइंड मैप्स का बैच हो गया, ये सभी जो नई नई ऑफरिंग्स हैं ये भी आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी. अगर आप इनमें से किसी भी चीज में एनरोल करना चाहते हैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. और आपको फिर से याद दिलवा दूं जो आखिरी उड़ान बैच है वो 1 सितंबर से शुरू होने वाला है, अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं डो नॉट वेस्ट योर टाइम, अभी जाइए और उस बैच में एनरोल कर लीजिए. तीसरा क्वेश्चन सर आपके लिए, थोड़ा बहुत आपको ये मिस वर्ल्ड पेजेंट्स जो होते हैं, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स, थोड़ा बहुत है आपको कुछ इंटरेस्ट इनमें? थोड़ा बहुत, अभी रिसेंटली देयर वाज सम एक थीम इंडिया से पंजाब की थी हाँ, लड़की जो जीती है, जो मिस यूनिवर्स जीती है आई थिंक, या मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स आई है, मिस यूनिवर्स और उसके पहले भी एक और भी एक बड़ा नाम आया था जो कि बॉलीवुड में भी शी टुक एंट्री, वो पृथ्वीराज मूवी की हीरोइन जो है पृथ्वीराज जी, हाँ वो शेयर डॉक्टर, वो हाँ से है, हाँ हाँ मनुषी चिल्ला, हाँ थोड़ा बहुत है. अच्छा पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? अरे ये तो बहुत सिंपल है, दिस वाज दिस वाज क्वेश्चन है, हां दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो स्कूल में भी पढ़ा था मैंने, हां तो ये रीता फारिया, मेरी स्कूल में तो नहीं पढ़ाते थे ये सब. सर जीके का क्वेश्चन आता था, मुझे भी याद है जीके हाँ, ये आता था, ये तो फर्स्ट बहुत आते थे ना, हाँ रीता फारिया हाँ 1966 है रीता फारिया फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया, आई थिंक शी वाज आल्सो अ डॉक्टर. If I'm, मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक शी वाज आल्सो अ डॉक्टर. ये कभी स्कूल के लिए कभी याद किया था वो आज काम आ गया सर, स्कूल तो बहाना है. मिल गया सर 10 नंबर पूरे, परफेक्ट, आपने साल भी सही बताया और आपने डिटेलिंग भी सही दी और आपने जो रिसेंट की जो विनर्स है उनके नाम भी बताया, तो मतलब आपको काफी जानकारी है. मैम को ये पता है आपको इतनी जानकारी है, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए अब. जी हाँ जी हाँ. ओके तो चलिए थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं. अगेन क्वेश्चन इसी तरह का होगा, नथिंग टू डू विद जीएस एंड ऑल दीज थिंग्स. भारत का पहला प्राइवेटली ओन्ड मीडिया चैनल? ये मेरा सवाल है, आपका सवाल है सर, ये मैं श्योर नहीं हूँ बट आई कैन टेक अ गेस, शायद जी टीवी था, मैं 100% श्योर नहीं हूँ,
अगर सही है तो बता दो। Yes, बिल्कुल सही है सर आपका। सही है? हाँ। और ओनर? ओनर पता है सुभाष चंद्रा है, ही गॉट इनटू पॉलिटिक्स एज वेल। डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा मेंबर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले जी की डील हो रही थी, कुछ दे वर ट्राइंग टू सेल द बिजनेस ऑफ, तो उस समय वो न्यूज में था कि जी और इंडिया का सबसे पुराना, अच्छा सोनी के साथ डील हो रही है, मर्जर की बात है। हाँ, बात चल रही है। क्या है, क्या स्कोर हो गया मैम? स्कोर बता दीजिए। सर बराबर ही चल रहा है अभी तो। आप? अच्छा, बिल्कुल बराबरी पे चल रहे हैं दोनों, मतलब टक्कर एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अगला क्वेश्चन अंदर सर आपके लिए, थोड़ा ये हमारे ना गौरव की बात है, एक बड़ा ही प्राउड क्वेश्चन है, तो अगर आपको पता होगा आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके। एक यूरोपियन देश है जिसका साइंस डे हमारे देश के एक महान साइंटिस्ट के नाम पर है। ओके ओके, आई नो दिस बिकॉज़ इसके साथ थोड़ा पर्सनल कनेक्ट है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। इसके साथ थोड़ा पर्सनल कनेक्ट है, वो इसलिए बिकॉज़ जिस महान इंसान के नाम पे जी ये जिस महान इंसान की वजह से बेसिकली ये हुआ है, तो उनका और मेरा बर्थडे सेम डे आता है। तो बेसिकली इट इज मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो उनके नाम पे ये मतलब साइंस डे वहाँ पे मनाया जाता है। एंड द कंट्री इज स्विट्जरलैंड। ओ, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन। wow. लेकिन वो पहले प्रेसिडेंट नहीं थे, आपने शायद इमोशंस में आ गए, आप पहले राष्ट्रपति थोड़ी ना हमारे, एक्स प्रेसिडेंट। आई वुड हाउस में बैठ गए क्योंकि बर्थडे आपका सेम है, ये सेम में भी है, तो मिसाइल मैन है वो। मिसाइल मैन, यस। खैर मतलब मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं, बट हां बट शेयर द सेम बर्थडे। मुझे सवाल पूछा जाता तो मैं गेस करता कि शायद सीवी रमन एंड प्रोबेबली इंग्लैंड, मे बी। हां, मतलब इंग्लैंड के साथ कुछ जोड़ता मैं, क्योंकि हमारे कई वैज्ञानिक वहां पर पढ़कर आए थे। एपीजे अब्दुल कलाम का आई हैड नो आइडिया। अभी रिसेंटली तो नहीं, कुछ साल पहले इनफैक्ट अपना भी एक आइलैंड का नाम आई थिंक अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया, वो व्हीलर आइलैंड का किया था, जिसका जहां पे टेस्टिंग होती थी मिसाइल्स वगैरह। वो तो हमने बहुत रटा है सारे आइलैंड के नए नए नाम बहुत। दिस इज जीएस, फिर से जीएस निकल कर आ गया है। हां, फन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, अभी बराबरी पर चल रहा है बिल्कुल मुकाबला। अगला क्वेश्चन थोड़ा कुछ कुछ ऐसा सही है लेकिन हमारे इतिहास से रिलेटेड नहीं है, हमारे देश की से रिलेटेड नहीं है। विश्व के वो कौन से दो देश हैं जिनकी कैपिटल्स यूएस प्रेसिडेंट्स के नाम पर है? ये मुझे पता है। वेरी ट्रिवियल, मतलब एक बहुत ही ऑफबीट ट्रिविया है। हाँ, अब सुनो आप, ये तो हिस्ट्री का ज्ञान मुझे देने में बड़ा मजा आता है। तो दो ऐसे देश हैं, पहला ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम के पीछे, और एक उनका शुरुआती प्रेसिडेंट था, शायद तीसरा या चौथा प्रेसिडेंट था, जेम्स मुनरो। तो मुनरो ने क्या करा था, उसने कहा कि जितने भी हमारे देश में अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उस समय उनको वो ब्लैक सी कहते थे, ये अफ्रीकन हैं, उनको हम फिर से शिफ्ट कर देते हैं। तो जो स्लेवरी से बाहर लाए जा रहे थे कुछ कुछ, उसने कोशिश करी कि सबको अफ्रीका शिफ्ट कर दूँ। तो उसने बहुत बड़ा एक ज़मीन का एरिया अक्वायर किया अफ्रीका में, उस देश का नाम दिया लाइबेरिया, कि लिबरेटेड लोग यहां रहेंगे। okay. और उस देश की राजधानी का नाम जेम्स मुनरो के पीछे मुनरोविया रखा गया है। oh. लाइबेरिया इज कंसिडर्ड टू बी अ बिग फेलियर ऑफ अ कंट्री, नॉट मतलब फेलियर इन द सेंस कि वहाँ पर एक बहुत अच्छी मजबूत सरकार कभी नहीं बन पाई, क्योंकि बहुत समय तक यूएस उसे अपना एक पपेट स्टेट के रूप में चलाता था। वो लिटरली यूएस का पपेट स्टेट था बहुत सालों तक, और अभी भी काफी कुछ यूएस का इन्फ्लुएंस वहाँ चलता है। लोकेशन तो मालूम होती है हमें कंट्रीज की, लेकिन ये हिस्ट्री नहीं मालूम होती। यहाँ पे तो वो मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, यू कैन ब्रिंग द टीचर आउट ऑफ द क्लास बट नॉट जीरो द नॉलेज फ्रॉम द टीचर। ये वो सही फेस बैन बन नहीं रही, बट समझ में आ गया ना आपको मेरी भावना? मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ फन लेने की, कैसे टॉपिक्स पिक कर ले, लेकिन नॉलेज आ रही है, मतलब नॉलेज का भंडार है हमारे दोनों एजुकेटर्स के पास। अगला क्वेश्चन सर अभी बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। अगला क्वेश्चन सर आपके लिए है, ये अभी आप ज्योग्राफी का आपने बात की, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है, कर लेंगे तो बराबरी चल रही है। अच्छा, आपको वर्ल्ड की उन कंट्रीज के नाम बताने हैं मुझे जो डबली लैंडलॉक है, उनके आसपास की जो कंट्रीज हैं वो भी। ओके, ये तो खैर काफी इजी है। मतलब बहुत ही स्पेसिफिक सा ये फिनोमेना होता है। सो जनरली हम लैंडलॉक्ड कंट्रीज पढ़ते हैं जिसके आसपास मतलब कोई समुद्र नहीं है, तो डबली लैंडलॉक्ड होते हैं, मतलब वो देश इनके आसपास वाले जो देश हैं वो भी लैंडलॉक्ड हैं। हाँ। तो दैट इज कॉल्ड एज डबली लैंडलॉक्ड। एक तो बहुत ही सिंपल है, अपने बिल्कुल पड़ोस में या पास में ही है उज़्बेकिस्तान। सो उज़्बेकिस्तान के आसपास सारी वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ जाती हैं, तो उज़्बेकिस्तान एज अ डबली लैंडलॉक्ड कंट्री।
दूसरा बड़ा छोटा सा देश है, हमने अभी स्विट्जरलैंड की बात करी थी, उसके साथ ही संबंधित है, दैट कंट्री इज लाइकेंस्टीन। ये यूरोप में आती है, आई थिंक लाइकेंस्टीन डज नॉट फॉलो द यूरोपियन यूनियन वाला, उनकी करेंसी वगैरह भी अलग है शायद तो, बट यस ज्योग्राफिकली वो भी डबली लैंडलॉक्ड है, उसके आसपास के भी सारे देश जो है वो वहाँ पर, मतलब उनके आसपास भी, देयर आल्सो देयर आल्सो लैंड। इज इट सराउंडेड बाय स्विट्जरलैंड चारों तरफ से, तभी लैंडलॉक्ड होगा डबली? नहीं नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल साइड में ही है, बहुत ही छोटा सा देश है। हाँ, वो तो एक शहर जितना ही है शायद देश। ये बोथ दीज कंट्रीज यूज आई थिंक फ्रैंक, दे डोंट यूज यूरो, वहाँ पे यूरो नहीं चलता। मतलब अगर आप, वो टैक्स हेवन है ना ये लाइकेंस्टीन जो है, ये भी एक टैक्स हेवन है, तो ये लोग इंटीग्रेट होना नहीं चाहते हैं ऐसा। हाँ, ये यूरो जोन के खिलाफ है, मतलब वो कह रहे हैं कि हम, दे डोंट, दे बिलीव कि दैट अ टाइम विल कम व्हेन यूरो एज अ करेंसी विल डिसइंटीग्रेट, खत्म हो जाएगी, तो हम लोग वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सर बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन थी, फिर कोई नॉलेज आ गई है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना सर का, ज्योग्राफी का वो भंडार निकल कर आया। सर ये क्वेश्चन वैसे तो टेक्निकली आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए, बट बिल्कुल बराबरी पर चल रहे नेक टू नेक, लेट्स सी इस क्वेश्चन के बाद पता लगेगा हमें। अगेन थोड़ा सा ये फन करने के लिए थोड़ा बॉलीवुड का क्वेश्चन है। यूरोप के एक देश में बॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के नाम पर ट्रेन, अरे तो मुझे भी मालूम है। ये सवाल किसका है, मेरा है, आपका है सर? ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यश चोपड़ा ही होंगे और ये हो सकता है। इस देश का जिक्र दो बार हो गया। हाँ मतलब यश चोपड़ा है, राइट यार, उन्हें कोई तो अवार्ड भी मिला हुआ है स्विट्जरलैंड का, बहुत बड़ा सिविलियन ऑनर, प्रोबेबली हमारे पद्म भूषण के बराबर होगा। आई डोंट नो द नेम ऑफ द अवार्ड, और उनका एक स्टैचू भी लगा हुआ है, स्टैचू लगा हुआ है, लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं और फिर इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो बहुत फेमस है। हाँ, और वो एक हाईएस्ट कौन सा माउंटेन है, उस माउंटेन के टॉप पर भी, वहाँ पर उन्होंने आजकल वो बॉलीवुड पोज वोज बना दिए हैं, तो लोग जाके जंगफ्राउ के टॉप पर। स्विट्जरलैंड से आपको कुछ विशेष स्विट्जरलैंड दिख रहा है मुझे? सोचा था कभी जाएंगे, जब उतने पैसे हो जाएगी कभी। रिसर्च पूरी कर रखी है पहले, पहले कर रखी है कि जब जाएंगे यहाँ जाएंगे, इस माउंटेन पे जाएंगे। अच्छा, माउंटेन मतलब आपने आइडेंटिफाई की हुई जगह? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये 2 साल पहले भी, दिस एक बड़ा इम्पोर्टेंट माउंटेन है वहाँ का, मैटरहॉर्न, इंडिया का लाइटिंग चलती रहती है अलग अलग तरह। एक मैटरहॉर्न, एक जंगफ्राउ और एक इटलिस है, तो ये सभी वहाँ पे बड़े अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मतलब नेक टू नेक चल रहा है, इंफॉर्मेशन वाइज भी नेक टू नेक है, आंसर वाइज भी नेक टू नेक है, परफेक्ट आंसर्स हैं। एक टाई ब्रेकर क्वेश्चन है, इट यहाँ पे जिसको पता होगा यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड, क्योंकि हमारे पास बजर का बजट नहीं था, तो बजर नहीं है हमारे पास। एवेंजर्स तो हमने देखी है ना? अरे हाँ, सारी सारी एवेंजर्स का मार्वल फैन, बिग फैन। अच्छा, ओह वाओ सर, आप मतलब फैन हो, देखी है, पर अब थोड़ा मेरे को डर लग रहा है आप क्या सवाल पूछोगे। फिल्में तो देखी है, काफी सारी देखी, अब नहीं देखी, सेकंड फेज, वो सेकंड फेज, थर्ड फेज जो भी है, एंड गेम के बाद। हाँ, एंड गेम के बाद, एंड गेम के बाद कुछ नहीं देखा है। नो, आई हैवंट सीन एनीथिंग आफ्टर एंड गेम। कुछ बैक स्टोरीज दिखा रहे हैं कुछ, हां ठीक है, पुरानी जो उनके कैरेक्टर्स उनका दिखा रहे हैं। मुझे तो लगता है आयरन मैन भी वापस आ जाएगा समहाउ, रियली वो मल्टीवर्स में कहीं कुछ होगा और वो वापस आ जाएगा। रियली वांट हिम टू कम बैक। क्वेश्चन, ओके यू गाइस, रेज हैंड करना है, मतलब ये छोटे बच्चों की वजह से हाथ ऊपर करना है, वो करना पड़ेगा तभी, और मेरी नजर दोनों पर रहेगी। जो शील्ड सुना है आप लोगों ने, शील्ड है ना, उसमें वो मुझे आधी पता है, पूरी पता है, तो आप ही बता दो मुझे। स्ट्रेटेजिक होमलैंड समथिंग समथिंग है, स्टार्टिंग के दो थे, उसके आगे नहीं पता। बड़ा सिंपल है, स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक्स डिवीजन। ओह माय गॉड, यस, फिर से बोला। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ये, जो उसमें वो सैमुअल जैक्सन हैज प्लेड द रोल ऑफ शील्ड का जो एजेंट है, कैप्टन निक फ्यूरी, निक फ्यूरी जो बने हैं, जब उनके ही एजेंट उनको बताते हैं शील्ड की फुल फॉर्म, वो भी ऐसे
आप तो फिर से फुल फॉर्म बताओ मुझे, स्ट्रेटेजिक होमलैंड, स्लो ताकि हमें मतलब SHIELD स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक्स डिवीजन। वाओ सर, दिस मतलब दिस डिजर्व्स अ, ये मतलब गजब वो या था, ये मतलब एक्चुअली ओ माय गॉड, ये विनर्स वाला वो था, परफेक्ट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस अमेजिंग नॉलेज फाइट दैट वी हैड। आई नो फॉर अ फैक्ट कि महिपाल सर बॉलीवुड के काफी बड़े फैन हैं और मूवीज को एक अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। पूछो बिफोर वी एंड अप, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, देखो हिस्ट्री का पूछना है, हिस्ट्री मैं फिल्म देखता हूं, हिस्ट्री वाली पुरानी पुरानी देखी होगी, या की वन ऑफ द मतलब ब्लॉकबस्टर्स कह लो, मतलब है ना शोले मूवी से सवाल है, नॉर्मल सवाल नहीं है, बसंती वगैरह के ऊपर सवाल नहीं है, ठीक है। शोले मूवी के विलेन सब जानते हैं, गब्बर, मिस्टर गब्बर, तो मिस्टर गब्बर के फादर का नाम क्या था? ये मेरे को पता है क्योंकि जो उसके फादर का नाम है वही मेरे फादर का नाम है, इसीलिए मुझे पता है। ये तो कोइंसिडेंस होगा, आपको लगा होगा कि क्वेश्चन बड़ा टफ होगा, ये टफ है, मैं बता रहा हूँ टफ है। अच्छा, उसमें क्या होता है, वो एक कोई कोर्ट, उसका बैक कुछ बैक स्टोरी दिखाते हैं, वहाँ पे वो बोलते हैं गब्बर सिंह कोर्ट में हाजिर हो, तो नाम लेते हैं गब्बर सिंह वल्दहरी सिंह, तो मेरे बुलाने का तरीका होता है एक्चुअली, हाँ इंडियन कोर्ट में, हाँ वल्द फादर का नाम होता है, आ जाता है सन ऑफ, तो मेरे फादर का नाम भी हरी सिंह है, तो मैं ऐसे बचपन में ऐसे मजाक कर देते थे कभी कभी कि हम भी गब्बर सिंह है, तो हरी सिंह नाम होता है गब्बर के फादर का, दैट करेक्ट सर। तो मतलब ये तो मजेदार हो गया, मतलब हमें लगता है कि ऐसे ऐसे बैंटर्स हमें करने चाहिए बीच बीच में ना, ऐसा कुछ करते रहना चाहिए। आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा इसमें, थोड़ा सा बियॉन्ड GS था, थोड़ा सा बियॉन्ड जनरल नॉलेज था, बट इट वॉज फन। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा इसको, कमेंट भी डालिएगा कि आपको किसके आंसर्स में ज्यादा मजा आया, क्योंकि मुझे दोनों के आंसर्स बहुत ही सैटिस्फाइंग लगे, मतलब परफेक्ट थे विद एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग। कोई अभी तो ऐसा लग रहा है सर कि अभी आप टाई ब्रेकर ना जीत गए थे, लेकिन वो आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर बराबरी पर खत्म हुआ, तो यहाँ पे मैं किसी को विनर डिक्लेयर कर ही नहीं सकती हूँ। नहीं पर वैसे वैसे अनिरुद्ध सर हो जाएंगे, क्योंकि वो शील्ड वाला उन्होंने आंसर किया था ना पूरा, वो क्वेश्चन एक पूछ लिया ना आपसे, तो बराबर हो गया। लेकिन हाँ, शील्ड को अगर आप देना चाहते हैं, बट हरी सिंह ट्रस्ट मी इतना आसानी से याद नहीं, जो लोग शोले के बड़े बड़े फैंस है वो भी मिस आउट कर जाते हैं, लेकिन वो डायलॉग मतलब समहाउ मुझे पता था कि बल हरी सिंह। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, that's it from my side, that's it from our side, thank you so much Anirudh sir and Mahipal sir, hope aap log ko bahut maza aaya doston, take care, god bless, thank you so much।